एक बार की बात है, एक जंगल में खरगोश रहता था और वो बहुत ही चंचल था। वो आते जाते किसी को भी परेशान करता था और उसे रेस करने की, दौड़ लगाने की, यानी वो शर्त लगाता रहता था, क्योंकि उससे तेज दौड़ने की अपने आप में बहुत उसको घमंड था। एक दिन वो एक कछुए से रेस लगाने को कहा, और क्या, कछुआ तैयार हो गया। कछुए और खरगोश की रेस को देखने के लिए जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए और एक दिन रेस शुरू हो गया। दोनों चल पड़े। चलते चलते खरगोश ने देखा कछुआ बहुत पीछे रह गया और वो आगे निकल चुका था। तब उसने सोचा कि क्यों न मैं आराम कर लूं, क्योंकि कछुआ तो आने में काफी देर लगा देगा। इस तरह खरगोश आराम के करने के लिए एक पेड़ के नीचे सो गया। सोते उसे नींद आ गई और कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। तो कछुआ धीरे 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 बेचारा वो फिनिश लाइन तक पहुंच गया। फिर शाम में जब इसको खरगोश को जब आंख खुली तो देखा कि ये तो शाम हो गई। दौड़ा दौड़ा भागा वो फिनिश लाइन पे जहां सब इंतजार कर रहे थे। देखा तो कछुआ वहां ऑलरेडी पहुंच चुका था। खरगोश को बहुत शर्मिंदा हुआ और उस दिन से उसने सबको तंग करना छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी चीज में सब दूसरों से अच्छे हो तो कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। एक भूखा सियार भोजन की तलाश में भटकता हुआ जंगल के पास स्थित गांव में चला गया। गांव की गलियों में घूमते हुए उसे कुछ दूर कुत्तों ने देख लिया तो उस पर टूट पड़े। किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा और वह मकान में घुस गया। वह मकान एक धोबी का था। मकान के एक कोने में बड़ा सा ड्रम रखा हुआ था। सियार उसमें छुप कर बैठ गया। वह रात भर वहीं छुपा रहा। सुबह होने तक कुत्ते वहां से जा चुके थे। सियार ड्रम से निकलकर जंगल की ओर गया। उसे बड़ी जोर की प्यास लगी थी। वह पानी पीने नदी किनारे गया तो पानी में अपनी परछाई देखकर चौंक गया। उसका रंग नीला हो चुका था। रात में वह जिस ड्रम में छुपकर बैठा था उसमें धोबी ने नील डाली थी। उस नील का रंग सियार के शरीर पर चढ़ गया था। पानी पीकर जब वह जंगल में पहुंचा तो दूसरे जानवर उसे देखकर डर गए। नीले रंग का विचित्र जानवर उन्होंने कभी नहीं देखा था। वह डर के मारे भागने लगे। सियार ने जानवरों को भयभीत देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसके दिमाग में जानवरों को मूर्ख बनाकर जंगल का राजा बनने का विचार कूदा। उसने भागते हुए जानवरों को रोका और उन्हें अपने पास बुलाकर बोला, मित्रों मुझसे मत डरो, मैं ब्रह्मा जी का दूत हूँ। उन्होंने मुझे तुम लोगों की रक्षा करने के लिए भेजा है। इस जंगल का कोई राजा नहीं है। अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ। तुम लोगों की रक्षा
की जिम्मेदारी अब मेरी है, तुम मेरे राज में आनंद से रहो। सभी जानवर उसकी बातों में आ गए और उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। उसने शेर को अपनी मंत्री बना लिया, चीते को अपना सेनापति और भेड़िए को अपना संतरी नियुक्त कर लिया। सियारों को उसने जंगल से निकाल दिया, क्योंकि सियार में से कोई उसको पहचान सकता था। अब सियार के मजे हो गए। दिन भर वह छोटे जानवरों से अपनी सेवा करवाता, हाथी की सवारी करता और पूरे जंगल में घूमता। शेर, चीते और भेड़िए उसके लिए शिकार कर लाते। वह चखकर बचा हुआ मांस उनको दे देता। दिन बड़े ही शांति पूर्वक और आरामदायक गुजर रहे थे, लेकिन झूठ आखिर कितने दिन छुपता। एक दिन असलियत बाहर आनी ही थी। नीले सियार सोकर उठा और अपने गुफा से निकला। अचानक उसे कहीं दूर से सियारों की हुआ हुआ की आवाज सुनाई पड़ी। सियार आखिर था तो सियार ही। वह भूल गया कि उसने अन्य जानवरों के सामने भूत होने का नाटक किया है, और वह भी मदमस्त होकर हुआ हुआ करने लगा। जब दूसरे जानवरों ने उसकी आवाज सुनी तो समझ गए कि वास्तव में वह एक सियार है, और उन्हें मूर्ख बनाकर खुद का राजा बन बैठा है। सब उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। सियार भागने लगा। सियार ने बचने का प्रयास किया, किंतु शेर चीते के पंजे से वो मारा गया। सीख: झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। जब वह खुलता है तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। बहुत साल पहले एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह अपने सामने दूसरे जानवरों को कुछ नहीं समझता था। वह अपने मनोरंजन के लिए हर समय उन्हें चिढ़ाता रहता था। कभी वह किसी पेड़ पर बने पक्षी के घोंसले को नष्ट कर देता, तो कभी पूरा पेड़ ही उखाड़ देता। कभी वह बंदरों को उठाकर नीचे फेंक देता, तो कभी खरगोशों को पैरों तले रौंद देता। सभी जानवर उससे परेशान थे, परंतु उसकी शक्ति के सामने वे कुछ नहीं कर सके। एक दिन हाथी नदी से पानी पीकर लौट रहा था। नदी किनारे एक पेड़ के नीचे चींटियों का बिल था। पास ही चींटियां अपने काम में लगी हुई थी। वह पेड़ के सामने अपने बिल के लिए भोजन बहुत मेहनत से इकट्ठा कर रही थी। हाथी ने उत्तेजित होकर अपनी सूंड में भरा पानी चींटियों के बिल पर डाल दिया। चींटियों का बिल नष्ट हो गया। अपने घर नष्ट हो जाने के बाद भी चींटियां डर के मारे हाथी से कुछ नहीं कह पाती थी। लेकिन एक चींटी को बहुत गुस्सा आया। वह बिना डरे ऊंची आवाज में हाथी से बोली, तुमने क्या किया? हमारा घर नष्ट हो गया, अब हम कहाँ रहेंगे? तुमने हमारा घर क्यों नष्ट किया? चींटी की बात सुन हाथी बोला, चुप कर चींटी, नहीं तो अभी तुझे अपने पैरों के नीचे दबाकर कुचल दूंगा। तुम्हें इस तरह दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। जब तुम्हें कोई तंग करेगा, तब तुम्हें समझ आएगा। चींटी ने फिर से बिना डरे कहा, कौन मुझे तंग करेगा? तू पिद्दी सी तो है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तू मुझे जानती नहीं है क्या? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ।
किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ कह सके। तूने पहली बार यह गलती की है, इसलिए माफ कर रहा हूँ। आइंदा ध्यान रखना, नहीं तो मारी जाओगी, हाथी धमकाते हुए बोला। चींटी उस समय तो चुप हो गई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि इस घमंडी हाथी को सबक सिखाना जरूरी है, वरना ये यूं ही तंग करता रहेगा। ये मौका उसे उसी शाम मिल गया। उसने देखा एक पेड़ के नीचे हाथी बड़े आराम से सो रहा है। चींटी उसकी सूंड में घुस गई और बहुत जोर से काटने लगी। आराम से सो रहा हाथी दर्द से छटपटा उठा, उसकी नींद खुल गई। छटपटाते हुए अपनी सूंड इधर उधर हिलाने लगा। यह देख चींटी और जोर से उसे काटने लगी। हाथी से दर्द सहा नहीं जा रहा था। वह जोर जोर से रोने लगा और मदद की पुकार लगाने लगा, लेकिन उसकी मदद को कौन आता? उसने तो जंगल में सबको परेशान कर रखा था। चींटी उसे काटती रही और वह दर्द से चीखता रहा। अंत में निढाल होकर वह जमीन पर गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह सुनना था कि चींटी बोली, मैं वही चींटी हूँ जिसका और जिसके साथियों का घर तुमने उजाड़ दिया था। अब तुम्हें समझ आया कि जब तुम दूसरों को तंग करते हो तो उन्हें कैसा लगता है? सबक मिल गया है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और वचन देता हूँ कि फिर कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। सबसे मिलजुल कर प्रेम से रहूंगा। कृपा कर मुझे काटना बंद करो और मेरी सूंड से बाहर आ जाओ, हाथी रोते हुए बोला। चींटी को हाथी पर दया आ गई। उसे लगा कि अब हाथी का घमंड भी टूट गया है और उसे एक अच्छा सबक भी मिल गया है, इसलिए उसे माफ कर सुधरने का एक मौका देना चाहिए। चींटी हाथी की सूंड से बाहर आ गई, हाथी की जान में जान आई। उस दिन के बाद से हाथी सुधर गया। उसने जंगल के सभी जानवरों से अपने किए की माफी मांगी और वादा किया कि वह अब उन्हें कभी तंग नहीं करेगा। जानवरों ने उसे माफ कर दिया और उससे दोस्ती कर ली। हाथी भी सबका दोस्त बनकर बहुत खुश हुआ। सब जंगल में मिलजुल कर रहने लगे। सीख यानी मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी का घमंड कभी न कभी जरूर टूटता है। दूसरों की सदा सहायता करनी चाहिए, तभी मुसीबत के समय वे आपकी सहायता करेंगे। कभी दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।